देखिए ढाई कमर के आगे पहुंच गई है हनुमान मंदिर। ये देखिए हनुमान मंदिर पास है। आगे जहाँ पे पुल टूटा हुआ था वहाँ पे दूसरा पुल बना गया है, लेकिन वो कुछ पुल नहीं हुआ है। हमारे तो ये ब्लॉग में मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहुँच चुके हैं शाहजहाँपुर में, अब आगे जाएंगे बेतराज में हनुमत धाम। हनुमत धाम जाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे वहाँ का दृश्य, देख सकते हैं। भाई साहब पहुँच तो चुके हैं हनुमत धाम, पर क्या आने के समय गेट ही बंद हो गया है। बता रहे हैं 4 बजे गेट खुलेगा, तब वहाँ तक दर्शन करने को मिलेंगे। अब मैं क्या करूँ, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉग लगा हुआ है चैनल पे। अब मैं क्या करूँ, अब इंतज़ार करना पड़ेगा क्या। आप लोगों को भी ब्लॉगिंग बने रहिएगा, मैं वेट करूँगा 4 बजे का, तो उसके बाद पूजा होगी, मैं आपको दे रहा हूँ। तो देखिए गाइस, हम लोग आ चुके हैं हनुमत धाम शाहजहाँपुर जिले में, और देखिए बहुत ही दुख की बात यह है, देखिए हमारे हनुमान जी की मूर्ति है और हम फर्रुखाबाद जिले से यहाँ तक आए और यहाँ पर मंदिर मुझे बंद मिला। देखिए हम लोग वेट कर रहे हैं और ये मंदिर जो है अब 4 बजे खुलेगा, इसीलिए मुझे यहाँ पर 4 बजे तक का वेट करना पड़ेगा। हम लोग बहुत ही जो है निराश हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर आते मुझे मंदिर बंद मिला। हमारे सामू भाई को पूछिए कितना दिल पे दर्द हो रहा है और ये दुनिया से आलिया हो रहे हैं। अब थोड़ी देर वेट करने पड़ेगा। देखिए गाइस, हम आ चुके हैं हनुमत धाम और ये देखिए हनुमान जी की मूर्ति है, और हम यहाँ पर आए तैसे ही जो है मंदिर बंद हो गया और हमें जो है 4 बजे का वेट करना पड़ेगा। बहुत ही दुख की बात है कि हम बहुत दूर से आए हैं फर्रुखाबाद जिले से यहाँ तक आए और यहाँ पर मंदिर बंद मिला मुझे, अब मुझे 4 बजे का वेट करना पड़ेगा। हम लोग देखिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं और ये हमारी पार्किंग लाइन है, इसमें मैंने अपनी गाड़ी पार्क की है। अभी रात में पहुँच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मंदिर बंद हो चुका है और दर्शन भी नहीं हो पा रहे हमारे लोग। तो वहाँ पे बजरंग बली है वो जो काफी बहुत बड़े हैं। मैं बैक कैमरा देखा यहाँ का, पहुँच चुके हैं बितराज में, गेट खुल चुका है तो हम जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। रात का नजारा, तुम अकाल के तो देखिए हनुमान मंदिर आज लोग आए थे बहुत दूर पैदल ये लेके आए हैं, कुछ भी नहीं खिलाया, उन्होंने भूखा मार डाला, उसका भी जवाब मैं से लूंगा। उन्होंने खिलाया क्या, 2 बेसन के लड्डू और कुछ तो खिलाया, एक आधा आधा हम लोगों का, बहुत कंजूस है। सामू भैया वीडियो देखता और इनके ऊपर आप बेसन उठाना, क्योंकि इन्होंने खिलाया नहीं, ये इन्होंने कुछ नहीं खिलाया।